मक्खन चोर बोले श्री मक्खन चोर भगवान तो चोरी की है, लेकिन कृष्ण को प्यार में भी दही लगा हुआ मठा। जब कृष्ण चलते चलते गए, कृष्ण का चरण का छाप भी बढ़ते 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 गया। मैया ने देखा कृष्ण इधर से गई है, डंडे को उठाए और धीरे 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 उन्होंने उसको पीछा करने लग गई। जब पीछा करने लग गई, इतने में जा करके मैया देखती है कृष्ण खैर क्या कर रहे हैं, सारे मक्खन को बेहतर और कौवे को खिला रहा है। मैया को और भी क्रोध आ गया, बोले इसको मुझे दंड देनी चाहिए, इसको दंड देनी चाहिए। इतने में मैया कृष्ण को पकड़ने के लिए जा रही थी, कृष्ण छलांग लगाए था मेन रोड में निकल गए। क्योंकि पहले माताएं, कोई भी माताएं पहले घर से बाहर नहीं निकला करती थी, वो सब कैसे घर में रहती थी। बोले घर की तो बहू, ये बाहर निकलेगी नहीं और मैं बाहर निकल करके चला जाऊंगा। लेकिन उसी दिन था दीपावली, गांव में कोई भी पुरुष नहीं थे, सारे पुरुष बाहर चले गए थे दीपावली मनाने के लिए। मैया बोली कहां जाओगे, तुम मेरे कोख से जन्म लिए हो, तेरे को आज छोड़ूंगी नहीं। मैया तो कृष्ण को पकड़ने के लिए पीछे भागी, हाथ में लकुटी ले ली, हाथ में लकुटी लेकर के पीछे भाग रही है। देखो कृष्ण को किसको पकड़ने के लिए, श्री भगवान को पकड़ने के लिए। हरे कृष्ण माताएं सब इधर देखो, आप लोग सब उधर देख रहे हैं, क्या करना, ज्यादा समय मत खड़े बताओ, जब जो जा रहे हैं पीछे रह गए, कोई ये कथा नहीं सुन रहे, सब तेरे को देख रहे हैं। इसलिए तो उधर से कीर्तन होगा ना, सारे सामान को तो जहाँ पर लाते हैं मेरे लिए, और जब कीर्तन होगा फिर तुम बाहर निकले, ठीक है, नहीं तो पीछे बैठो, सब अपने आप रख जाएगी, यहाँ पर कोई कथा नहीं सुन रहे, सब तुम तो देख इधर देख, उसको क्या देखा नहीं, फिर कैसे देख रहे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री लाल। अभी मैया कन्या को पकड़ने के लिए पीछे भाग रही थी और कृष्ण भाग रहे थे। बोले कृष्ण कौन है, बोले वायु रथा मनस मन भूख का वाना, बोले जिनके चरणों को केवल ध्यान करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि जोगिंद कठोर तपस्या करते हैं, लेकिन दर्शन की बात छोड़ दो, केवल उनके चरण को हृदय में ध्यान तक भी नहीं कर पाते हैं ऐसे भगवान। लेकिन उनको पकड़ने के लिए मैया पीछे पीछे भाग रही है, काल जवन भी जिसको पकड़ने नहीं आए। मैया तो मोटी थी, कृष्ण तो छोटे थे, कृष्ण तो भागते भागते जा रहे, मैया तो हाँ रही थी, चोटी में फूलों की माला के श्रृंगार की थी, एक एक फूल गिरते गिरते मैया के पीछे पीछे गिरते जा रहा है। बोले क्यों, बोले मैया ये मत समझो तू अकेले हो, तेरे साथ हम भी है, चलो आज सबके सब मिल करके कृष्ण को पकड़ेंगे। जब थोड़ी दूर गए, कृष्ण सोच रहे मैया को कहां तक बुलाऊं, मैया थोड़ी मोटी थोड़ी सी भारी तो हाँफने लग गई। इतने में मैया कहती लाला वहां खड़ा होता कि नहीं, देख रहे हो मेरे हाथ में ना छड़ी है, अभी फेंक करके मारूं। इतने में कृष्ण ऐसे करते हुए खड़े हो गए, बोले भैया मैं तक खड़े ही जाऊंगा, लेकिन तेरे हाथ में छड़ी देख करके मेरे को डर लग रहा है, पहले लठिया को फेंकते फिर मैं खड़े ले जाऊंगा। बोले लाला तेरे को मारूंगी नहीं, तेरे को बुझूंगी। जब कभी माताएं बच्चों को पूजा करती कि नहीं, पूजा करते ही नहीं बच्चों को, बोले तेरे को मारूंगी नहीं, आज तुमको पूजा करूंगी मारूंगी नहीं, तुमने जो काम किया ना, हाँ पूजने का काम है, मारने का काम नहीं। इतने में मैया जाकर कृष्ण को पकड़ लिए और हाथ में एक छड़ी, बोले अभी तेरे को मारू, कृष्ण इधर जा रहे और इधर मारने के लिए तो उधर जा रहे हैं, और कृष्ण सिसर सिसर करके रो रहे थे। इसलिए हमारे श्री सत्यव्रत मुनि बड़े सुंदर एक भजन लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, Oh, yeah.
मैंने सोचा तू सचमुच रो रहा है ना, नाटक कर रहे हो, क्योंकि भगवान है ना, भगवान की दया से दुनिया डरते हैं। माता है देखना, तुम्हारी सांस को देख देना, इतने मोटे मोटे पैर में कड़वे पहना करते चांदी की सोने की। जब तू तेजी से भागते हुए जा रही थी, वो कौड़ूले लग करके ये मटकी फूट गई। बोले मटकी खुद फोड़ कर मेरे नाम पर दोष लगा रहे। बोले बता मखर खाया किसने, मखर किसने खिलाया। बोले जिसने बनाया उसने खिलाया। बोले बड़े बड़े बात करते हो, बोले तो बहुत बड़ा चोर हो गए। कृष्ण बचपन से सुना था उनका एक मामा जिसका नाम चोर को। बोले मैं चोर हूँ, मैं नंद बाबा राजा का लाला हूँ, तेरे घर में कोई चोर को होगा, मेरे घर में नहीं। बोले पता नहीं कहाँ से सुन लिया। बोले तू बंदर का दोस्त हो, बोले छोड़ दे बंदर के साथ रहूंगा, तेरे घर में नहीं जंगल में रहूंगा। अब देखना बच्चों का जो क्रोध है ना, तेरे लाला मेरे को मिल रही। अगर सचमुच से जंगल गया चला गया फिर क्या होगा। अब देखना बच्चों का जो क्रोध है एकदम झट क्रोध आ जाता है, झट उनका क्रोध शांत भी हो जाता है। बोले थोड़ी समय के लिए मैं इसको उखल में बांध कर रख लेता हूँ। उखल जानती कि नहीं, पहले मछली तछली कुछ नहीं होता, लकड़ी लकड़ी होता था, उसको पत्थर में गड्ढा होता था और एक लकड़ी ऐसे ऐसे मार मार ध्रुवस जिसको मार मार करके गेहूँ सब कुछ डाल उसमें होता था। इसलिए जितने माता है ना कोई मोटी नहीं होती, सब पतली होती थी, क्योंकि सबको काम करना पड़ता था। अभी तो कपड़ा भी है वाशिंग मशीन आ गया, फिर मसला भी आ रही, क्योंकि जो शारीरिक की जो परिश्रम है ना नहीं। लेकिन गांव में देखना माताओं को कोई बीमारी नहीं, लेकिन शहर में देखो जितने बीमारी सारे हाई प्रेशर लो प्रेशर शहर में क्यों, पहले आराम हराम है। शरीर को जितने आराम दोगे ना उतना बीमारी होगा। अगर शरीर से परिश्रम करोगे फिर कभी कोई बीमारी नहीं आती है। बोले तू खल और वो दुखल, अब दोनों मिल करके तुमने क्या की, मक्खन चोरी की, दोनों को बांध की, अपना चोटी से रेशम की रस्सी निकाली, जो बांधने के लिए गई ना उसमें दो अंगुल कम पड़ गई। गोपियों को बोले और एक रस्सी ले आओ, फिर बांधने के लिए दो अंगुल, बोले और रस्सी लाओ। बोले भैया पिता का नहीं तेरे लाला की ललाट में बंधन नहीं लिखा, तू बांध कैसे। बोले क्यों, ये मेरे कोख से जन्म लिया, अभी नहीं बांध सकते, ले आओ रस्सी। सवेरे से शाम तक हो गई रस्सी है, रस्सी जोड़ते जा रही है, लेकिन केवल दो दो अंगुल कम, और उसने चार पांच नहीं दो अंगुल ही कम पड़ गई। किसी तरह से वो दो अंगुल पूरी पड़ ही नहीं रहे। इतने में मैया जसोदा ठाकुर जी की चरण में, घर में जो ठाकुर जी थे सालक राम, बोले ठाकुर जी आज मेरे लाज को तू बचा, देखो सारी गोपियां मेरे को खिली उड़ा रही थी, सवेर से शाम इसको पीछे हो गया, अभी भी बांध नहीं पा रही हूँ। भगवान कृपा करके बंधन को स्वीकार किया, मैया ने बांधी नहीं स्वीकार की। हाँ देखो जितना बार बांध रहे थी ना, कितना बार कितना अंगुल कम पड़ रही थी, कितना अंगुल कम पड़ रही थी, और जोर से बोला दो अंगुल कम पड़ रही थी। बोले दो क्यों, तीन क्यों नहीं, चार क्यों नहीं। देखो अच्छे तरह से उधर देखो, भाई एक साड़ी पहन के रखा है ना, सब उधर देखो कैसे कपड़ा पहन के, इधर देखो उसमें उसमें दो अंगुल क्यों कम पड़ रही थी, तीन नहीं चार नहीं पांच नहीं, कार में किया यहाँ शिक्षा दिया। देखो इस चीज को लेकर हम लोग क्या सोचते हैं, भगवान हमें ऐसी मिल जाए, खाते पीते सोते मिल जाएंगे, साधन भजन की कोई जरूरत नहीं, खाओ पियो और भगवान मिल जाएंगे। नहीं भैया उनको पाने के लिए आप देखो घर में सवेरे से लेकर शाम तक घर में काम करती करती नहीं, सवेरे से लेकर के शाम तक घर में काम करती। अगर थोड़ी इधर उधर हो गया ना, पति डांट लगाएगी, सास डांट लगाएगी, नंद का डांट, सबका डांट सुन रहे हैं, और बच्चे का भी डांट, सबका डांट पड़ रहे हैं, और सवेरे से रात तक घर में काम करती। बताओ तुम्हारी ऊपर अभी तक कोई खुश हुए,
सत्संग को खुश कर पाए, ना अपना ननदा खुश हो गई, ना सास खुश, कोई तुम्हारे पर खुश हो नहीं। बताओ, शायद एक सवेरे से लेकर शाम तक सोने तक आप माताएं घर की काम करती हो, कोई खुश हुए हैं? बताओ कोई खुश हुए तुम्हारे पर? कोई खुश नहीं। लेकिन भगवान ऐसे है ना, उनके लिए इतना करते हैं, हमारे लिए इतना करते हैं। कितना करते हैं? हमारे लिए इतना करते हैं, अगर उनके लिए इतना से करोगे। इसलिए के लिए भी कर्मी चाहिए। पहला अंगुल मतलब क्या? जब हम भगवान के लिए चेष्टा करें, सवेरे उठे कितना बजे उठे? सवेरे उठे हम तो सवेरे 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 ना दस नहीं सर, पहले नहा करके तिलक लगाओ। क्या करोगे? जैसे अपना सिंदूर लगाते हैं, पहले सिंदूर लगाती हूँ,